example, I get up early in the morning. मैं सुबह रोज जल्दी उठता हूँ. तो जो routine की क्रिया है, रोज की क्रिया है. तो second number, the children play in the park every afternoon. बच्चे रोज पार्क में हर रोज, यानी रोज रोज वो आफ्टरनून में पार्क में खेलते हैं, वो बताया गया है. तो यहाँ पर आपने देखा कि रोज की जो क्रिया है वो बताई गई है. पी नंबर टू एक्सप्रेस अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो सनातन सत्य होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो बताने के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है. सेकंड नंबर, द अर्थ इज अ राउंड, यानी पृथ्वी गोल है. ये सनातन सत्य, इसमें कोई चेंजेस हम नहीं होता है. तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम बदल नहीं सकते. तो वो बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. सी नंबर, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अरेंजमेंट, यानी फ्यूचर में कोई अरेंजमेंट करना है, कोई काम है, तो बताने के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. वी लॉक अप हियर एट 11 टुमारो एंड गो टू आंट प्रतिभास प्लेस फॉर लंच, यानी हम यहाँ पर 11 कल से 11 बजे से यहाँ पर एंड अभी जाएंगे आंटी के घर पे प्रतिभास प्लेस फॉर लंच, और प्रतिभा के घर पर लंच करने के लिए जाएंगे. तो ये एक फ्यूचर में होने वाला एक काम है, तो वो बताने के लिए भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. अभी सेकंड नंबर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच गोज ऑन एट द टाइम ऑफ अ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे होते हैं तब वो क्रिया चालू है, वो बताने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज होता है. एग्जाम्पल, लुक द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में, यानी उनकी खेलने की क्रिया अभी चालू है. तो यहाँ पर ये जो प्लेइंग है वो हमें बताता है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है, यानी उनकी जो क्रिया है खेलने की वो अभी चालू है. सेकंड नंबर, नंदू इज डूइंग हिज लेसन नाउ, यानी नंदू अभी उसका लेसन कर रहा है, यानी उसकी जो लेसन करने की क्रिया अभी चालू है, वो एक्शन अभी चालू है उसकी, वो बता रहा है यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. उसका आगे का रूल्स, वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग द टाइम ऑफ अ स्पीकिंग आउट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, यानी कोई चौकस पीरियड में हम ये काम कर रहे हैं वो बताने के लिए भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज होता है. यानी ऐसे नहीं कि हम अभी जो करें, यानी थोड़े टाइम पहले से जो क्रिया चालू है वो भी बताने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज होता है. एग्जाम्पल, माई फादर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, यानी मेरे पिता फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी अभी काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, पर वो काम करते हैं. तो उनकी जो काम करने की जो यहाँ पर जॉब करते हैं वो कर रहे हैं, वो बता रहा है यहाँ पर, ये वर्किंग यानी यहाँ पर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज होता है. सेकंड नंबर, आई एम रीडिंग हैमलेट, यानी जो हैमलेट नाम की बुक है वो मैं पढ़ रहा हूँ, यानी उसकी पढ़ने की क्रिया अभी चालू है, वो बुक वो पढ़ रहा है, तो वो बताने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज होता है. अभी नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में